अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद आराम की जिंदगी जीना लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमीरपुर में एक ऐसे शिक्षक हैं जो कि सेवानिवृत्ति के बाद भी ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल जिला हमीरपुर में एक ऐसा शिक्षक है जिसने सेवानिवृत्ति के बाद भी ज्ञान बांटना बंद नहीं किया और बिना पैसों के सालों से कन्या विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। हमीरपुर के रतनलाल राणा वैसे तो सरकाघाट के निवासी हैं, लेकिन सालों से हमीरपुर में ही रह रहे हैं। 31 साल तक शिक्षा जगत में सेवाएं देने के बाद वर्ष 2008 में ही सेवानिवृत्त हुए हैं। रतनलाल ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद फैसला लिया कि जहां पर भी ज्ञान बांटने की जरूरत होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी उद्देश्य से रतन चंद राणा ने कन्या विद्यालय में रिक्त चल रहे संस्कृत विषय के अध्यापक की जगह पढ़ाना शुरू किया है, जिसके परिणाम भी बेहतर आए हैं और छात्राओं ने 100% अंक लेकर परीक्षा पास की है। वहीं इस तरह रतन चंद राणा के निःशुल्क पढ़ाए जाना भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि जब से रतन चंद राणा स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब से बहुत ही अच्छी तरह से सीखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर रतन चंद राणा अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। मेरा नाम सलोनी है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब से मैं आई हूँ तब से अच्छा पढ़ाते हैं सभी को। सर मेरा नाम दीक्षा है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th से आई हूँ तब से सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर दो बार रिपीट करवाते हैं। पायल है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम सबको। वहीं रतन चंद राणा ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद निशुल्क पढ़ाने के फैसले से परिवार भी साथ है और इस तरह पढ़ाना संतुष्टि देता है क्योंकि ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निशुल्क पढ़ाने के लिए आगे भी प्रयासरत रहेंगे। रतन चंद राणा ने अध्यापक दिवस पर सभी अध्यापकों को संदेश दिया है कि अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे जीवन में कुछ कर सकें। उन्होंने कहा कि अध्यापक दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि अध्यापक को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए। तो बच्चों से बहुत प्यार हो गया है मुझे। प्राइमरी में रह के फिर मैं अपनी पोस्ट पर आ गया। 14 साल मैंने लाहौल स्पीति में लगाया। लाहौल स्पीति के बाद फिर मैं यहाँ आ गया हमीरपुर में, भुट्टा में 4 साल भुट्टा में लगाए। भुट्टा के बाद 4 साल फिर मैं फिर यहीं गर्ल्स स्कूल में आ गया। यहाँ से फिर मैं कुठेड़ा में चला गया, 4 साल वहाँ लगाए। 1.5 साल मैंने फिर मिडिल स्कूल भरेड़ी है वहाँ लगाए। उसके बाद 2008 से कंटिन्यूसली मैं यहाँ पर हूँ। मैं जुलाई 2015 में रिटायर हो चुका हूँ। और मैंने उस टाइम ये कहा था, प्रॉमिस किया था बच्चों से, बच्चे बोल रहे थे कि ये हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा बच्चों। मैंने कहा मैं आपका ये सेशन जो है पूरा करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहे। सेशन पूरा करवाया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कोई आया नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जब तक यहाँ पे कोई नहीं आता है तब तक मैं बच्चों को रेगुलरली पढ़ाता रहूँगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जैसे 2-3 साल रिटायरमेंट के बाद मेरा जो बोर्ड की क्लासेज का रिजल्ट है वो 100% रहता है। पहले तो ऐसा था कि जब मैं रेगुलर था तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो 2-4 वीक स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं ध्यान नहीं दे पाता था। अब तो मेरा एक ही एम है कि जो वीक स्टूडेंट हैं उनको भी साथ लेके चल रहा हूँ। और जैसे लास्ट ईयर का मेरा रिजल्ट आया तो उसमें जो डिस्टिंक्शन है वो लगभग 35 स्टूडेंट्स की है, यानी कि 90+ जो बच्चे हैं। सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद घर में आराम करना अच्छा लगता है और या कुछ और करना अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन आप बिना शुल्क के यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो देखो यही कहता हूँ, मेरी मिसेज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, बल्कि वो घर वालों की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो घर वाले मुझे इस बात के लिए ज़्यादा उत्साहित करते हैं कि आपके पास टाइम है, आप जाइए और आप पढ़ाने का काम करिए। और उससे तो अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब तक मेरा ये जीवन है तब तक मैं बच्चों को एजुकेशन देता रहे, अगर ये विभाग चाहे तो जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक है तब तक मैं बच्चों को एजुकेशन देता रहूँगा। सर टीचर डे नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो टीचर डे के ऊपर यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे अध्यापक साथी हैं, अध्यापक और माँ बाप जो है उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है। माँ बाप के स्थान से भी ऊंचा अध्यापक का स्थान है, ऊंचा है, क्योंकि जो रास्ता अध्यापक ने बच्चों को दिखाना है
उस रास्ते पे माँ बाप भी बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं। अध्यापक जो है देश का निर्माता है, तो मेरा तो यही संदेश है कि अध्यापक को अपनी जिम्मेवारियों का पूरा जो उत्तरदायित्व है वो निभाना चाहिए बच्चों के प्रति, तो उसी से देश जो है ऊपर उठ सकता है। कन्या विद्यालय हमीरपुर की प्रिंसिपल नीना का कहना है कि स्कूल से बिना कोई पैसे लिए ही रतन चंद राणा पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और ऐसे अध्यापक की हर शिष्य को जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और पूरे जिस मन से पढ़ा रहे हैं और इनको इसके बदले में कुछ दिया नहीं जाता है। यहीं से रिटायर हुए हैं ये, और जब से मैं आई हूँ पिछले 1.5 साल से, तब से लगातार ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और ऐसे टीचर्स की आज के समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बच्ची तो इनकी 100% स्कोर के साथ 10th में पास हुई है, जिसने 100 out of 100 संस्कृत में लिए हैं। और बच्चों की फीडबैक भी जब लेते हैं तो यही रहती है कि बहुत अच्छे से ये पढ़ाते हैं, क्लास कभी मिस नहीं करते हैं, रादर जितना रेगुलर टीचर छुट्टियाँ करते हैं उनसे भी कम छुट्टी पर ये जाते हैं।